हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपसे बटर गार्लिक मशरूम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आप स्टार्टर्स में बना सकते हैं ड्रिंक्स के साथ, या फिर आप इसको अगर लंच या डिनर में बना रहे हैं तो एज अ साइड रेसिपी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है और फटाफट से ये बन के तैयार भी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमें बनाना कैसे है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें गैस ऑन करके एक पैन ले लेना है। आप पैन, कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधे चम्मच के करीब ऑयल। और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे बटर। बटर यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। मैंने वही नॉर्मल बटर लिया है जो कि मार्केट में आता है, हल्का सा जिसमें सॉल्ट रहता है, सॉल्टेड बटर। तो वही हम यहाँ पर बटर यूज़ करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम डालेंगे मशरूम। यहाँ पे मैंने मशरूम लिए हैं 400 ग्राम, 200 ग्राम के दो पैकेट थे। तो उसको अच्छी तरीके से धो लें, उसके बाद फिर उसको इस तरीके से बीच में काट लें। अगर आपके जो मशरूम हैं उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो फिर आप मशरूम बिना काटे ले सकते हैं। साबुत जैसे मशरूम होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक बार हम चला लेंगे अच्छी तरीके से। गैस का फ्लेम अभी मैंने हाई पर ही रखा हुआ है। आप देखेंगे कि जब हमारे मशरूम जो हैं वो पकना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए अभी हम स्टार्टिंग में नमक नहीं डालेंगे, पहले जितना भी इनने पानी रिलीज़ करना है वो ये रिलीज़ कर दें। तो हाई फ्लेम में इसको इसी तरीके से पकाएंगे। साथ में इसके हम डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, तो वो प्याज इसमें डाल देंगे। और प्याज के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन की 12 से 15 कलियां ले लीजिएगा और उसको बिल्कुल बारीक चॉप करके वो लहसुन इसमें डाल दीजिएगा। तो जब तक इसका जो पानी है वो सूखेगा तब तक हमारा प्याज और लहसुन है वो भी इसमें अच्छी तरीके से मिल जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आने लगेगा और खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी। तो बस इसको हम ऐसे ही पकने देंगे। अभी मैंने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है मशरूम ने। तो इसको हाई फ्लेम में ऐसे ही कुक करेंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता। करीब 5 से 6 मिनट में इसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। और अब ये जो मशरूम है ये बटर में अच्छी तरीके से रोस्ट हो रहे हैं। तो बस इसको ऐसे ही हमें करना है। कलर मशरूम में बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो इसके बाद एक एक करके हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा नमक। नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो कुटी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं डालूँगी ओरिगैनो थोड़ा सा। तो ओरिगैनो हो तो डालें, अगर नहीं हो तो स्किप कर दें। इसकी जगह आपके पास अगर इटालियन हर्ब्स हो तो वो भी डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो जो ब्लैक पेपर है उसको फ्रेश क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब बस इसको हाई फ्लेम में हम ऐसे ही पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो रहे हैं। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि वो जो गार्लिक का फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, साथ में बटर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस इन सभी को थोड़ा सा और रेड होने तक हम पकाएंगे। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बट फ्रेश धनिया अगर आप चॉप करके डालेंगे तो उससे आपके मशरूम में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अगर हो तो ज़रूर डालिएगा। अब बस इसको एक बार मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हमारे बटर गार्लिक मशरूम बन के एकदम ही तैयार है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंस्टेंट रेसिपी है ये। तो होप ये जो आज की रेसिपी है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।